आइए आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। अभी जो मैं आपको पेशेंट बताने वाला हूँ, वो पेशेंट जो है वो है क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया के। पिछले 4 साल से वो मानसिक रुग्ण है, उनको घर वाले सहरे है ना, वो बराबर दवाई लेती है, खुद होकर दवाई लेती नहीं, उसके पीछे लगना पड़ता है। उन्होंने काफ़ी डॉक्टर लोगों को कंसल्ट किया, वहाँ से भी फ़ायदा नहीं हुआ। और उसको जो तकलीफ है वो है अपने आप से मन से बड़बड़ करना, कभी कभी गाली गलौज करना, बहकी बहकी बातें करना, नींद नहीं लेना, घर में काम नहीं करना। उसकी शादी हो चुकी थी मगर डाइवर्स हो गया, और डिवोर्स होने के बाद में फिर अभी माँ बाप के साथ में रह रही है। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये पेशेंट कैसी है और उनके जो भाई है वो क्या बोल रहे हैं। तो क्या तकलीफ क्या दी चिड़चिड़ करना, मारना, फेंकना ऐसा करती थी। दूसरे कुछ भी बातें करते रहती है, कुछ बात करती है, कुछ भी बात बोलती है, बातें करती है। 4 साल से बीमारी है और हमने पूरा इलाज किया नहीं। 4 साल से ऐसी है और अभी देखो उसने कितनी पाउडर लगा कर रखी है, पाउडर लगा कर रखी है, खाना पीना है बराबर। ठीक है, तो ये जो क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है, अभी 4 साल से पेशेंट है, इनका इलाज पूरा हो सकता है। इनको हम एंटी साइकोटिक मेडिकेशन देते हैं, हेलोपेरिडॉल है, ओलेंजिपिन है, जैसी दवाइयाँ हैं कि जो हम देते हैं। और ये पेशेंट को शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक शॉक। 4 साल से ये इनको प्रॉब्लम है, दवाई नहीं ले रही है, फिर कैसा करेंगे। वो फेंक देती दवाई, रिफ्यूज़ कर देती है, थूक देंगी, अच्छी कैसी होंगी। 4 साल से वो उसको पालन पोषण उसका कर रहे उसके माँ बाप। तो अभी हमने डिसाइड कर लिया कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक देंगे। अभी अभी जस्ट मैंने हमने उनको एक कभी करंट दिया, एक शॉक दिया हुआ है। और वो देने के बाद में देखो, वो खाना नहीं खाती थी, आज उसने खाना भी खा लिया है। और वो काफ़ी हद तक मतलब सेटिस्फाइड है रिलेटिव्स कि नहीं नहीं वो बहुत फ़ायदा हुआ, एक ही इलेक्ट्रिक करंट देने के बाद में उसको फ़ायदा हो गया। सो ये ऐसे पेशेंट है कि जिनका लोग बाहर का है, क्या हुआ, भूत बलि है या ऐसा कुछ, सभी पिशाच लगा हुआ है या बाहर के करनी कुछ तभी की हुई है, ऐसा लोग बोलते हैं और धागे दोरे करते रहते हैं, मंदिर में मस्जिद में जाते रहते हैं और प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो इनका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये इलाज के लिए आप लोगों को ये जरूर वीडियो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारा जो हॉस्पिटल है, यहाँ रिलेटिव्स के साथ में और रिलेटिव के अलावा भर्ती करके पेशेंट लोगों का हम इलाज करते हैं। हमारे यहाँ 2 हॉस्पिटल है, ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम करते हैं, ऑफलाइन भी, मतलब अब लोग हमारे पास में आते हैं और वहाँ भी हम कंसल्टेशन करते हैं और लोगों को अच्छा करते हैं। हमारा विजन जो है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत। इसमें आपकी भी पार्टनरशिप आप दे दो, ये मैं डिमांड आपसे कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।